नमस्कार दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और यार आगे भी अच्छे ही रहना। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हमारे ढेर सारे अपकमिंग इवेंट के बारे में। जैसे कि यार अपना नॉर्मल फ्री फायर प्ले स्टोर पे वापस आने वाला है, जो 100% कंफर्म हो चुका है। आपको पता होगा इस टाइम पे अपने होनर स्कोर के अंदर से हमें ये नॉर्मल से रिवॉर्ड मिल रहे है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। लेकिन अपडेट के बाद हमारे होनर स्कोर के रिवॉर्ड को अपडेट कर दिया जाएगा और यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा एक बंडल और एक मस्त सा इमोट। यही नहीं, बात करेंगे अपने इवो बोनंजा इवेंट के बारे में। ग्रीन एंजेलिक पेंट कब आएगा उसके बारे में बात करेंगे। इविल पंपकिंग एक्समेट का टोकन विल इवेंट 100% कंफर्म हो चुका है, जो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। यही नहीं गाइस, अगर आपके पास गोल्ड है तो भाई उसे बचा के रखिए, क्योंकि फ्री इमोट का इवेंट आ रहा है। ओके चलो भाई। ओके, तो आज हमारे गेम के अंदर आ चुका है एक न्यू लकी व्हील, जिसके बारे में मैंने आपको कल कम्युनिटी पोस्ट के अंदर बता दिया था। मुझे इसके अंदर पहले स्पिन पे 80% का डिस्काउंट मिला। आपको कितना मिला यार कमेंट में बताना, ठीक है? बाकी मैं यहाँ पे ये ब्लैक कलर का बंडल परचेस करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस ये जो ब्लैक कलर का बंडल है ना, वो बहुत ही बढ़िया सा है, ठीक है? आप चाहो तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिला हो ना, तो इसे जरूर परचेस कर लेना। बाकी यहाँ पे साइड में देखो यार, यहाँ पे ईवो टोकन भाई 50-50 मिल रहे हैं। अब बहुत ही सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि भाई क्या ये ग्लिच है, क्या हमें इसे परचेस करना चाहिए? तो देखो, अगर तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है ना, तो इसे परचेस कर लो। जैसे कि मुझे 80% का डिस्काउंट मिला ना, अगर ग्लिच हुआ तो ज्यादा डायमंड तो जाएगा नहीं, है ना? क्योंकि यहाँ पे देखो भाई सिर्फ 10 डायमंड ही है। बाकी यार बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर और बात करते हैं अपने एक्सचेंज इवेंट के बारे में। इससे नोटिस के बारे में आप सबको पता होगा, सभी यूट्यूबर ने आपको समझाया होगा, लेकिन कुछ डिफिकल्ट तरीके से। इसका यार सिंपल सा फंडा है, अपडेट के बाद यानी 10 अगस्त को अपना जो वेपन रोल का वाउचर है ना, वो यूज करने लायक नहीं रहेगा। क्या बात करते हैं? क्योंकि वेपन रोल का वाउचर की जगह लेने वाला है एक न्यू रॉयल वाउचर, जो कि आप लोग देख लो। अब वेपन रोल के वाउचर यूज करने जैसा नहीं रहेगा, तो इसलिए 10 तारीख को गरेना इसे एक्सचेंज इवेंट में लाने वाला है। 10 तारीख को एक्सचेंज इवेंट आएगा, जहाँ पे आप अपने वेपन रोल के वाउचर को न्यू वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आपको न्यू वाउचर में कन्वर्ट या फिर एक्सचेंज नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप गोल्ड रोल के वाउचर में भी इसे एक्सचेंज कर सकते हो। इस नोटिस के अंदर गरेना ने यह भी बताया है कि 10 अगस्त को अपना जो डायमंड रोल है ना, वो हटने वाला है। डायमंड रोल गेम से हटेगा तो बहुत सारे लोगों के पास डायमंड रोल के वाउचर होंगे, तो इसीलिए गरेना ने बताया है कि ये जो डायमंड रोल के वाउचर है ना, वो ऑटोमेटिकली न्यू वाउचर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो भाई यही था इस नोटिस के अंदर, बाकी ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आई होप कि ये वाली जानकारी आपको अच्छे लगी होगी। तो बात करते हैं अपने गेम में आने वाले एक न्यू वेब इवेंट के बारे में। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि यह रनिंग इमोट एक वेब इवेंट में आएगा, जो कंफर्म हो चुका है। तो अभी का अपडेट ये है कि इसकी इवेंट की पॉसिबल डेट भी निकल के आ चुकी है। इस वेब इवेंट की पॉसिबल डेट रहेगी गाइस 8 से लेके 10 अगस्त, ठीक है? बाकी इसके बीच में कभी भी ये वेब इवेंट आ सकता है हमारे गेम में। फिलहाल यार ये कौन सा वेब इवेंट होगा वो तो मुझे पता नहीं चला है, ठीक है? लेकिन आप लोग चैनल पे बने रहना, कुछ ना कुछ अपडेट जरूर मिलेगी। आई होप कि ये मस्त सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि अपना इविल पंपकिन एक्समेट रिटर्न आएगा, तो मैंने ऐसा इसलिए बोला, ये हमारा इविल पंपकिन एक्समेट है ना, वो अपने हेलोवीन इवेंट के थीम पे है। और कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको हेलोवीन इवेंट के सारे बंडल और सारे रिवॉर्ड भी दिखाए थे। इस बार हमारा हेलोवीन इवेंट अपने सितंबर या फिर अक्टूबर मंथ के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पता होगा हेलोवीन इवेंट अपने इंडियन सर्वर में नहीं आता है, इसीलिए इन सारे हेलोवीन रिवॉर्ड को गरेना अपने इंडियन सर्वर में अलग से इवेंट में देगा। तो उसी बीच ये जो अपना इविल पंपकिन का गाइस इनक्यूबेटर है ना, वो भी अपने को टोकन विल में रिटर्न में देखने को मिलेगा।
और ये टोकन विला आएगा अपने सितंबर मंथ के एंड में या फिर अक्टूबर मंथ के स्टार्टिंग में। तो भाई कौन कौन इसका वेट कर रहा है मुझे नीचे कमेंट के अंदर जरूर से बताना। बाकी इससे पहले आने वाला होगा ना तो भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आई होप कि ये वाली जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो बात करते हैं कि फ्री रिवॉर्ड का भंडारा कब होगा और कौन कौन से रिवॉर्ड मिलेंगे। गेम के अंदर हम किसी को गाली ना दे, किसी के साथ टॉक्सिक बिहेवियर ना करे, इसके बदले में गरेना अपने को रिवॉर्ड देता है और ये होता है गाइस अपने होनर स्कोर में। लेकिन आपको पता होगा होनर स्कोर के जो रिवॉर्ड है ना वो भाई बस गोल्ड है, पेट फूड है और कुछ नॉर्मल से रिवॉर्ड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डाटा माइनर ने यहाँ पे एक छोटी सी लीक निकाली है। अपडेट के बाद हमारे होनर स्कोर के जो रिवॉर्ड है उसे अपडेट कर दिए जाएंगे। रिवॉर्ड चेंज हो गए जिसके अंदर रहेगा एक बंडल परमानेंट रहेगा लेकिन साथ में एक इमोट भी रहेगा। लेकिन वो इमोट कुछ टाइम लिमिटेड के लिए होगा। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि भाई कौन सा बंडल होगा और कौन सा इमोट होगा आपको पता है, तो यार मेरा आंसर होगा, अरे यार टेंशन मत लो, अपडेट से पहले अगर पता चल जाता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा, वरना तो अपडेट के बाद आपको पता चल ही जाएगा। इवेंट में आगे बढ़ने से पहले टाइम आ चुका है अपनी फ्री फायर की एक गजब सी मीम देखने का। बात तो सही है। चलो भाई देखो अपने क्या था। मी एंड माय फ्रेंड ऑलवेज इन गेम। हेल्प मी। गुड जॉब। Follow me. Stay alert. Go, go, go. हाँ यार, मैं और मेरे दोस्त है ना पूरे मैच के अंदर help me, enemy spotted, without any reason करते रहते हैं। बाकी आप लोग बताओ कि आपका क्या सीन है, क्या आप करते हो कमेंट में बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं अपने ग्रीन एंजेलिक पैंट इवेंट के बारे में। इवेंट से रिलेटेड कोई कंफर्म डेट तो निकल के नहीं आई है, लेकिन हाँ दो पॉसिबल डेट जरूर मिली है। पहली डेट है 11 अगस्त और दूसरी डेट है 18 अगस्त। कुल मिला के गाइस 11 अगस्त से लेके आपको 20 अगस्त के बीच में कभी भी ग्रीन एंजेलिक का टोकन व्हील देखने को मिल सकता है। यार ये ग्रीन एंजेलिक का यार गेम बजाना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आई होप कि ये वाली जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो बात करते हैं कि अपना फ्री फायर प्ले स्टोर पे वापस कब आएगा। कल गाइस फ्री फायर से रिलेटेड एक शॉकिंग न्यूज मिली। गरेना फ्री फायर अपने इंस्टाग्राम पे जो भी पोस्ट डालता है ना उसके भाई यहाँ पे कैप्शन में सिर्फ फ्री फायर मैक्स ही होता है। लेकिन कल एक पोस्ट के अंदर गरेना ने फ्री फायर मैक्स के साथ साथ स्लैश करके अपने फ्री फायर को भी मेंशन किया हुआ है। जबकि यार गरेना ने पहले कभी भी अपने पोस्ट के अंदर फ्री फायर के नाम को मेंशन नहीं किया था। इसीलिए कहा जा रहा है कि 10 अगस्त को अपने OB40 अपडेट के दिन अपना गेम प्ले स्टोर पे वापस आ सकता है। और इसका भी एक दूसरा बड़ा सबूत तो आपको पता होगा कि यूपी के अंदर गरेना ने मीटिंग करी थी जहां पे फ्री फायर के स्पोर्ट को बैक लेने की बात करी थी। और ये भी एक बहुत ही बड़ा सबूत है कि अपडेट के बाद अपने गेम के अंदर एज वेरिफिकेशन आ रहा है। कुल मिला के गाइस वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आपको अपनी एक मस्त सी फ्री फायर बैक की गुड न्यूज सुनने को मिले। कौन कौन एक्साइटेड है इस गुड न्यूज को सुनने के लिए कमेंट में जरूर बताओ। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने रैंक अप इवेंट के बारे में, जहां पे आप लोग सिर्फ गोल्ड का यूज करके बहुत सारे इमोट और रिवॉर्ड गन स्किन को क्लेम कर सकते हो। बेसिकली गाइस इस इवेंट के अंदर आपके जितने ज्यादा रैंक होगी ना उतने ज्यादा आप लोग रिवॉर्ड को एक्सचेंज कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 10,000 गोल्ड का यूज करके आप लोग थ्रोन इमोट को क्लेम कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे 10,000 गोल्ड को दे के एक थ्रोन इमोट ले सकते हो। बाकी इसके साइड में भी दो इमोट है। इमोट के साथ साथ हमें यहाँ पे व्हीकल की स्किन मिल जाती है, गन स्किन मिल जाती है, कैरेक्टर मिल जाता है और इसके अलावा भी बहुत ही सारे रिवॉर्ड आप लोग गोल्ड से और हाँ साथ में डायमंड से भी परचेस कर सकते हो। लेकिन आप लोगों ने एक चीज को नोटिस करी कि जो गोल्ड से इमोट है ना, ठीक है गैस वो कुछ टाइम के लिए मिल रहे हैं, परमानेंट नहीं मिल रहे है। पॉसिबल है गैस अपने OB41 अपडेट के बाद ऐसा इवेंट अपने इंडियन सर्वर में देखने को मिल जाए। बाकी कोई कन्फर्म डेट मिलती है तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा।
था। आई होप कि ये वाली जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो बात करते हैं अपनी इवो बोनंजा इवेंट के बारे में। बहुत ही सारे लोग सिर्फ यार अपने इवो बोनंजा इवेंट आने का वेट कर रहे हैं। तो देखो गाइस, इस या फिर 2 वीक के अंदर तो ऑलरेडी बहुत ही सारे इवेंट आएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई अपडेट आएगा तो इवेंट तो आएंगे ही। तो जहां तक मुझको लगता है गाइस, इवो बोनंजा इवेंट इस मंथ के एंडिंग वीक में देखने को मिल सकता है। बाकी इसकी कोई भी अभी तक ऑफिशियली कन्फर्म डेट नहीं है, तो भाई कन्फर्म डेट पूछने का कोई फायदा नहीं है। बाकी आप लोग फ्री फायर के ऑल अपकमिंग बुया पास का पूरा रिव्यू देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो, और भी अपकमिंग इवेंट के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।